हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स। इन ऑस्ट्रेलियन लीग का एक मैच हो रहा है जो कि मैकआर्थर और वेलिंगटन फिनिक्स के बीच खेला जाएगा। एक ही टाइम पर दो मैच हैं। सेंट्रल कोस्ट मेराइनर्स का जो मैच है ना वेस्टर्न के साथ, वो बहुत ज़्यादा ईजी है दोस्तों, तो उसकी वीडियो इसीलिए नहीं आई क्योंकि ये तो आप खुद से टीम बना लोगे। मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ। ऐसा है, सेंट्रल कोस्ट मेराइनर्स के सारे प्लेयर खेल रहे हैं और आप सब जानते हो कि कौन से मेन प्लेयर है। आपको पता है ए टोर्स मेन है, जे फैरल वगैरह बहुत मेन है, और वेस्टर्न सिडनी के अंदर दो प्लेयरों को पिछले मैच में रेड कार्ड मिला था जो कि मिडफील्डर थे। तो इसलिए ये मैच इतना इजी है कि आप इसको अपने आप से जीत सकते हो, इतना ट्रस्ट मुझे आप पर है, तो आपको अपने ऊपर होना चाहिए, ठीक है। बट मैकआर्थर की बात करते हैं तो देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, देखिए मैकआर्थर और वेलिंगटन फिनिक्स, एक टीम जो पहले नंबर पर है और एक टीम जो तीसरे नंबर पर है, और दोनों टीम्स मुझे पसंद नहीं है। मेन देखो, वेलिंगटन फिनिक्स में मुझे आज तक नहीं लगा था कि ये टॉप में भी आएगी और वो टीम पहले नंबर पर बैठी है। मैकआर्थर मुझे लगा था टॉप फाइव में नहीं आएगी, वो टीम तीसरे नंबर पर है, और जिनका लगा था वो टीम नीचे है। भाई समझ नहीं आया इस सीज़न हुआ क्या है। इस सीज़न ऑस्ट्रेलियन लीग का प्रेडिक्शन सबका ही गलत निकला, लगभग 80%, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो बात करें देखो स्ट्राइकिंग की, स्ट्राइकिंग में के बारबरोसिस ने मेरा दिल जीत लिया है बिल्कुल भाई। मतलब अगर बारबरोसिस इस टीम में वो मिडल ऑफ द सीज़न के अंदर अगर अच्छा प्रदर्शन ना करता तो आज ये टीम इस स्टेज पे ना होती। बारबरोसिस को तो बहुत बड़ा थैंक यू है टीम के लिए भाई। और मैं जवाड़ा की बात करूँ, अगर जवाड़ा भी कम बैक कर ले तो ये टीम डबल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर जवाड़ा के बिना ये टीम यहाँ तक पहुँची है तो मैं इस टीम को दाद देता हूँ। अगर जवाड़ा होता तो शायद ये कहाँ होते यार, मतलब अभी पहले नंबर पर हैं, फिर तो भाई अलग ही होता, क्योंकि जवाड़ा मेन स्ट्राइकर है। बारबरोसिस कभी भी मेन स्ट्राइकर नहीं है, आपको मैं बता दूं। सिर्फ बारबरोसिस को क्यों खिलाया जा रहा है स्ट्राइकिंग में, क्योंकि जवाड़ा नहीं खेल रहा। जिस दिन जवाड़ा की वापसी हो गई उस दिन बारबरोसिस आपको मिडफील्डिंग में दिखेगा, और ये बात लिख लो, मैं झूठ नहीं कह रहा। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करें तो यहाँ पर मैं लूँगा जर्मिन को। जर्मिन के बाद आर बॉर्जिस हो गया, एल रोस तो मुझे पसंद है नहीं इतने खास क्योंकि वो चलते नहीं है, और जर्मिन भी इतना पसंद नहीं है। लेकिन ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पिछले मैच में जैसे 171 पॉइंट दिए हैट्रिक करके, तो वो एक्चुअली ये एक पेनल्टी टेकर है। कल को अगर ये एक गोल कर देता है पेनल्टी पर तो हमें दिक्कत हो जाएगी, दैट्स वाई मुझे इस प्लेयर को लेना पड़ रहा है और मैं लूँगा। एंड बात करें मिडफील्डिंग की तो उलाइसिस डेविला, उलाइसिस डेविला के बाद हॉलमैन को लेंगे। इनका एक और प्लेयर है जिसका नाम है के बैकस, तो के बैकस को देखो मैं बहुत दिनों से ट्राई नहीं कर रहा और भगवान की कृपा से मैं जीत भी रहा हूँ, तो मैं बैकस को आज नहीं लूँगा। एंड क्राइफ की बात करें तो मैं बी क्राइफ को लूँगा। बी क्राइफ के बाद द नेक्स्ट प्लेयर वॉज रफर, क्योंकि मैंने बी ओल्ड को नहीं लेना। बी ओल्ड कभी कभी असिस्ट करने वाला बंदा, और एन पेनिंगटन ने पिछले मैच के अंदर एक गोल क्या कर दिया, लोग समझ रहे हैं राजा है। भाई आप गलती करोगे, इसको मत लेना, रफ़र बहुत अच्छा है। रफ़र आपको बिना गोल करे 30-40 पॉइंट तो यूं ही दे जाएगा, जबकि इसका ऐसा नहीं है कुछ, पेनिंगटन ऐसा कुछ नहीं करेगा। एंड डिफेंडिंग की बात करें दैन टी पेन के बाद यहाँ पर मैं लूँगा वूटॉन को। वूटॉन के बाद सूरमैन, ये चारों मेरे कन्फर्म रहते हैं हर मैच में, आपको पता है जब भी मैं इनको फेवर करता हूँ। उसके बाद मैं एल कैडी हेड को बहुत दिनों से ट्राई नहीं कर रहा था, आज मुझे मौका मिला है तो मैं आज ये मौके पे खेलना चाहता हूँ। बट जिन्होंने ये नहीं लेना रिस्क, वो मिलर के साथ जा सकते हैं। अब आप देख लो आपका दिमाग क्या कहता है, मिलर नहीं खेलता तो आप टी उसको के साथ भी जा सकते हो, पर मेरा मैं कैली हेल्ड के साथ जाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत दिनों से इसे ट्राई नहीं किया पर मैं चाहता था करना। एंड गोल कीपिंग की बात करें दैन एफ कुर्टो को यहाँ पर मैं लूँगा। कैप्टन की बात करें, कैप्टन वॉज यहाँ पर मेरा, देखो कैप्टन है बारबरोसिस, वाइस कैप्टन जो मेरा है दैट वॉज जर्मिन, बिकॉज इट्स अ डबल साइडेड मैच। तो ये हमारी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।